सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों, आज हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर की बात करेंगे जो हमारे डोरेमोन की सीरीज में एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं, डोरेमोन एंड शिनचैन की ऑल टॉपिक्स टॉक विद स्मी पर बात की जाती, तो इस टॉपिक को हम कैसे छोड़ सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। सो गाइस, टॉप 10 पर हमारे पास है जेंटा क्लॉस, जो हमें डोरेमोन मूवी नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स में दिखाया गया है। और ये एक एडवांस्ड और फ्यूचर रोबोट है, और इसके पास बहुत सारे वेपन्स हैं जो एक सिटी को सिर्फ 15 सेकंड के अंदर तबाह कर सकता है, जो हमें मूवी में भी दिखाया गया। जब सुजुका गलती से एक बटन दबा देती तो जेंटा क्लॉस 15 सेकंड के अंदर एक सिटी को बर्बाद कर देता है, इसलिए ये टॉप 10 पर है। सो बात करते हैं टॉप 9 की। तो यार, तुमने डोरेमोन की मूवी डोरेमोन एंड द नोबिता एक्सप्लोरर ऑफ बाओबाओ तो जरूर देखी होगी, और उसमें हमें एक बाओवांग को स्टैचू दिखाया जाता है जिसके पास बिल्कुल जेंडा क्लॉस की तरह पावर होती है, और उसके पास बहुत तरह के वेपन्स होते हैं जो हमें मूवी में भी नहीं दिखाया जाता है। बट ये उससे ज़्यादा बड़ा है और एंशंट स्टैचू है, और ये सालों से पड़ा है और अभी तक वर्क कर रहा है, इसलिए ये टॉप 9 पर है। सो गाइस, बात करते हैं टॉप 8 की। तो तुम तोरियो को तो जानते होंगे, जो हमें डोरेमोन मूवी नोबिता एक डायनासोर योद्धा मूवी में दिखा था, बट उसका विलन कोई और था जिसे डोरेमोन एंड नोबिता आसानी से मार देते हैं। बट तोरियो एक मिस्टीरियस करेक्टर है जिसकी एबिलिटी ना तो हमें मूवी में शो की गई थी और ना ही उसके पावर दिखाए गए थे, और वो किसी भी करेक्टर के रूप में चेंज हो सकता है। जैसे कि शुरुआत में हमें तोरियो एक बूढ़े बाबा के रूप में दिखाया जाता है, और बाद में मूवी के बीच में तोरियो हमें उल्लू के रूप में दिखता है, और मूवी के ख़त्म होने के बाद हमें तोरियो एक 22nd सेंचुरी के रोबोट एजेंट के रूप में देखता है जो उस ड्रीम मशीन को लेकर जाता है। सो इसलिए टोरियो टॉप 8 पर है, क्योंकि उसकी ना तो एबिलिटी शो की गई है और ना ही पावर शो किया गया। अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो यार, फोनिक्शा जो हमें डोरेमोन मूवी बडोपिया का सुल्तान में दिखा है, और अब मैं इसको टॉप 7 पर इसलिए रखा हूँ क्योंकि इस मूवी के लास्ट में डोरेमोन और नोबिता फोनिक्शा को हरा नहीं पाते हैं, क्योंकि फोनिक्शा की पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डोरेमोन को इसे टेलीपोर्ट के थ्रू पास्ट में भेजना पड़ता है, इसलिए ये टॉप नंबर 7 पर है। बात करते हैं टॉप नंबर 6 पावरफुल करेक्टर की। तो यार, तुमने डोरेमोन की मूवी तूफानी एडवेंचर तो जरूर देखी होगी, और इसमें हमें एक एंशियंट ड्रैगन दिखाया जाता है जिसका नाम माफुका होता है। और यार, ये करेक्टर सबसे ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि इसकी ना तो एबिलिटी शो की गई थी, और साथ में डोरेमोन का कोई भी गैजेट इस पर वर्क नहीं कर पा रहा था, और लास्ट में फूको को ही इस एंशियंट ड्रैगन को हराना पड़ा था, इसलिए ये टॉप नंबर 6 पावरफुल करेक्टर में आता है। अब गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मुझे कुछ हेल्प मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो नंबर 5 पर हमारे पास है गोल्डन बीटल, जो हमें डोरेमोन मूवी जादू टापू में दिखाया गया था। अब मैंने इसे टॉप 5 पर इसलिए रखा क्योंकि ये बीटल खुद एक टापू को अपने इंटरनल एनर्जी से चला रहा था। जैसा कि तुम सोच सकते हो कि ये इंटरनल एनर्जी से एक टापू को चला सकता है, और मूवी में इसकी पावर को पूरी तरह से शो नहीं किया गया था, इसलिए ये टॉप नंबर 5 पर है। तो नेक्स्ट पर हमारे पास है जो नंबर 4 का मोस्ट पावरफुल करेक्टर है, उसका नाम है डेमोन, जो हमें डोरेमोन की मूवी जादू मंत्र एंड झानू में दिखाया गया था, जो इस मूवी का विलन था। अब यार, एक तो ये बहुत सारे काले जादू जानता था, और इसका हर्ट एक प्लेनेट से वर्क करता था, मतलब एक पूरा प्लेनेट इसका एक हर्ट था। अब तुम सोच सकते हो कि ये कितना पावरफुल। अब यार, नेक्स्ट पर हमारे पास है अपना प्यारा सा डोरेमोन। अब यार, मैंने डोरेमोन को टॉप 3 पर इसलिए रखा क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे भी गैजेट हैं जो हमारे पूरे प्लेनेट को ख़त्म कर सकते हैं, और साथ में टाइमलाइन को भी चेंज कर सकता है टाइम ट्रेवल के थ्रू, मतलब ये पास्ट में जाकर फ्यूचर में होने वाले कोई भी एक्सीडेंट या पेंडेमिक को रोक सकता है, इसलिए डोरेमोन नंबर 3 पर है। करते हैं टॉप नंबर 2 की। तो यार, यहाँ पर मैं एल्डर जी को रख रहा हूँ, जो हमें डोरेमोन मूवी हारा हारा में दिखा था, और इस मूवी में ना तो इसकी आइडेंटिटी कोई जानता था, और ना ही इसकी कोई पावर को दिखाया गया था, और साथ में ये बहुत ओल्ड करेक्टर है जो सालों से रहता आ रहा है, और इसने पूरे प्लेनेट को अपनी पावर से ठीक कर दिया था, इसलिए ये टॉप नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर हमारे पास है सीड सोवर। अब ये इतना मिस्टीरियस करेक्टर है कि इसके नाम से पता चलता है कि सीड सोवर, जो गॉड के लिए यूज किया जाता है। अब ये करेक्टर हमें डोरेमोन की मूवी गोल गोल गोलमाल में अपीयर हुआ था, और जब नोबिता ने इसे पूछा कि तुम कौन हो, तो इसने अपने आप को सीड सोवर कहा था, और बताया कि उसने अर्थ और मार्स पर दुनिया रची थी, और इसके बाद ना तो ये करेक्टर कभी दिखा और ना ही इसकी कोई पावर को दिखाया गया। सो गाइस, वीडियो हो गई ख़त्म। सो जाने से पहले प्लीज़ कमेंट कर देना कि मैंने कौन सी मिस्टेक की, ताकि मैं आगे जाकर ठीक कर सकूं और मुझे कुछ फीडबैक मिल सके। और हाँ, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।